हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक न्यू वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता है कि फेसबुक ने अभी अपडेट किया है और अपडेट में कुछ चेंजिंग लाया है, जैसे कि वीडियो का टाइटल एंड वीडियो का थंबनेल देख के आप सबको पता चल गया होगा कि वीडियो में किस तरीके की जानकारी दी जाएगी। तो जिनको नहीं पता है, मैं उनको बताना चाहूँगा कि वीडियो प्ले करने से पहले जो वीडियो के ऊपर लिखा होता है उसे थंबनेल कहा जाता है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, जितने बड़े बड़े एक्टर्स और सेलिब्रेट लोग होते हैं, वो अपनी फेसबुक आईडी जब क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर फ्रेंड रिक्वेस्ट का ऑप्शन नहीं आता है दोस्तों, वहाँ पर फॉलो का ऑप्शन वो शो करते हैं ताकि लोग हमें फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं, हमें लोग फॉलो करें। तो ये प्रोफेशनल आईडी आप भी बना सकते हैं दोस्तों। तो फेसबुक ने जो अभी अपडेट किया, अपडेट करने के बाद जो चेंजेस किए उन्होंने, तो उन्होंने यही किया है कि आप अपने फेसबुक आईडी को, फेसबुक प्रोफाइल को आप फेसबुक पेज में कैसे बदलें ताकि लोग आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं, आपको फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सिंपली दोस्तों, आपको फेसबुक ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर राइट साइड थ्री डॉट का ऑप्शन आपको शो करेगा, यहाँ पर आपको कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है, सेटिंग एंड प्राइवेसी के ऑप्शन पे हम कर देंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए फॉलोअर्स एंड पब्लिक कॉन्टेंट पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पर देखिए आपको कुछ सेटिंग करने हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पर अगर फ्रेंड का ऑप्शन है तो यहाँ आपको पब्लिक का ऑप्शन पे कर देना है। तो यहाँ पर नीचे देखिए, यहाँ पर भी पब्लिक का ऑप्शन है और नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके तो देखिए यहाँ पर भी पब्लिक है, तो इसे पब्लिक पर ही रहने दीजिएगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड पे अगर रहेगा तो एवरी वन पे कर दीजिएगा। यहाँ पर स्क्रॉल करके आप नीचे आएंगे और यहाँ पर देखिए पब्लिक के ऑप्शन पर आपको कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद फाइनली ये सेटिंग जब डन हो जाए तो यहाँ से आपको आ जाना है बैक। बैक आने के बाद दोस्तों हम फाइनली मेन पेज पे आ जाते हैं। मेन पेज पे आने के बाद अपने फेसबुक प्रोफाइल के ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद जो भी आपका फेसबुक प्रोफाइल होगा, जो आप अकाउंट क्रिएट किए हैं, कुछ इस तरीके से यूज़र इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो थोड़ा सा नीचे करके हम आपको बता देते हैं कि देखिए दोस्तों, यहाँ पर फ्रेंड का ऑप्शन अभी आ रहा है। 1330 फ्रेंड हम ऐड किए हुए हैं, क्योंकि हम अभी किसी को भी फ्रेंड बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना पड़ता है, ये सब आपको भी पता है। अभी हम अपने फेसबुक आईडी को फेसबुक पेज कैसे करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे। सिंपली आपको यहाँ पर थ्री डॉट का ऑप्शन यहाँ पर आपको कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सबसे नीचे आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए लिखा है टर्न ऑन प्रोफेशनल मोड, यहाँ पर आपको कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए टर्न ऑन का ऑप्शन है ब्लू कलर में, यहाँ पर आपको कर देना है क्लिक। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और देखिए फाइनली डन हो चुका है। यहाँ पर देखिए वेलकम टू प्रोफेशनल मोड, तो यहाँ पर डन के ऑप्शन पे आपको कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद यहाँ से हम बैक आ जाते हैं और बैक आने के बाद थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं और देखिए फाइनली हमारा फेसबुक आईडी, जो फेसबुक हमारा अकाउंट है, वो फॉलोअर्स और फॉलोइंग में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी हमें सर्च करेगा, हमें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगा, तो वहाँ पर फ्रेंड रिक्वेस्ट का ऑप्शन नहीं, ऐड फ्रेंड का ऑप्शन नहीं, बल्कि वहाँ पर फॉलो का ऑप्शन आएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी अपने फेसबुक आईडी में जाकर और अच्छे से वीडियो को देखकर आप भी इस तरीके से अपने फेसबुक आईडी, फेसबुक प्रोफाइल को फेसबुक पेज में चेंज कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर, चैनल को बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।